अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यह एक व्हाट्सएप ट्रिक के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है और मज़े की भी है और आप लोगों जो मीम्स बनाते हैं उनके लिए भी बेटर है। तो वीडियो क्या है, आप लोग जैसे हम आप लोग अक्सर देखोगे स्टिकर जो हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर, मतलब एक तो होते हैं व्हाट्सएप पर या दूसरा हम ऐड करते हैं थर्ड पार्टी ऐप से स्टिकर्स को, ठीक है। तो स्टिकर्स आप खुद से कैसे बना सकते हैं, उन स्टिकर में अपनी तस्वीर डालें या खुद से कुछ भी बनाएं, उनको पहले टेक्स्ट वगैरह ऐड करें, कुछ भी आप अपनी तरफ से स्टिकर कैसे बना सकते हैं बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वैसे बताऊंगा। कोई आप कट वगैरह पिक्चर्स को ऐसा कोई सीन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन की तरफ। तो यार आप लोगों को करना है क्या, आप लोगों को सबसे पहले तो आपको ऐप्स डाउनलोड करनी है अपने प्ले स्टोर से, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। एक है डब्ल्यू इमोजी एंड स्टिकर मेकर, आपको मैं दिखा देता हूँ ये प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे जा क्लिक करनी है डब्ल्यू इमोजी, ठीक है। तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ये रहा ये वाला आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक ये ऐप हो गया, उसके बाद होता है एक और ऐप है, उसका नाम है स्टिकर मेकर फॉर व्हाट्सएप, ठीक है। तो भाई कहाँ गया, ये रहा ये वाला, ये ऐप आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये तो ऐप करने के बाद, इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं लेकिन उनमें थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले खोलता है अपना ब्लू इमोजी में, यहाँ ओपन किया है, देखिए यहाँ पर इसका एक्सेस आपको एक वो मिल जाएगा डिस्प्ले, माय स्टिकर्स जो आपने जो ऑलरेडी बना रखेंगे वो आ जाएंगे, क्रिएट स्टिकर पर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्रीन। आपने क्या कोई टेक्स्ट ऐड करना है ना, कोई आपने कुछ कुछ भी ऐड नहीं करना, तो आपने सबसे सिंपल यहाँ पर लिख देना है उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख दें, इंग्लिश जैसे मैं यहाँ पर नेम राइट करता हूँ जैफा नौ, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉन्ट उठा लें, क्लिक करें, ऐसे क्लिक किया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आपको स्टिकर भी मिल जाते हैं और इमोजीज भी मिल जाती हैं, आप मैं ये डाल देता हूँ, कुछ भी ऐड करें आप चाह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूँ, इस पर सेव करता हूँ सेव इमेज, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूँ मतलब हुज़ैफ़ा टैक्स, स्पेलिंग रॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ सेव कर दें, यहाँ पर मेरी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक पहले एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे करेंगे आप यहाँ पे भेजेगा आपने किस चीज़ पर कंप्लीट एक्शन करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये छोड़ें, अब आपको दिखाता हूँ कि आप पिक किस ऐड कर सकते हैं, इसमें क्रिएट स्टिकर ऐड में जाएँ, यहाँ पर आ जाएगा आपको ये स्क्रीन, ठीक है। जैसे पिक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आपने इसे क्रॉप कर लेना है पिक्चर को, क्रॉप के बाद ओके, और ये आ जाएगी आपकी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टिकर ऐड करना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ नो, कलर वगैरह भी आप टेक्स्ट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेव वैसे हो जा सेव, यस इधर मैंने ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके उधर ऐड हो जाए करेंगे व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। अब ये वाला मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ स्टिकर मेकर वाला। अब मैं ये बोला यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक एनिमेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, देखिए एनिमेटेड वगैरह, और दूसरा आपको यहाँ पे तो वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं ख़त्म हो रहा था, यहाँ बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं दिखा भी दूँगा, जब मैं दिखाऊँगा यहाँ पे, देखें आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे आप बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, आपके आपके फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। स्टिकर्स के बाद जैसे यहाँ पिक मैं ऐड करता हूँ, जैसे मैं पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐसे पिक सेलेक्ट कर ली, क्रॉप कर लिया क्रॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे लोडिंग हो रहा है तो भाई जल्दी हो जाए यार, हो गया। अब मैं यहाँ पे कर ऑटोमेटिकली क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सारा आपका बैकग्राउंड जो है वो खुद ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये देखें मेरा बैकग्राउंड गया है, और ये क्या हुआ, उड़ बैकग्राउंड उड़ गया। यहाँ पे आप कुछ भी ना करें, आप वो लाइन जो होती हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है, बैकग्राउंड गया है उड़ मेरा। अब मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ, नहीं टेक्स्ट, याद ही क्या आ गया,
ये ऑटोमेटिकली उनका था, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। जैफान नॉन भाई, नॉन ओके सिंपल, ये इसको लॉक करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, सिंपल। तो ये है आ गया है इधर, तो आपको उन दोनों में फ़र्क भी बता दूंगा कि आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, ठीक है। तो सेव पैकेज नेम नॉन, ठीक है। तो ऐड कर दूंगा इसको, मैं ऐड कर देता हूँ व्हाट्सएप में, एफ एम व्हाट्सएप में, ठीक है। तो अब मैं ऑन करता हूँ अपना व्हाट्सएप, ठीक है। तो ऐड किया है, ओपन किया तो यहाँ पर मैं स्टिकर्स पर, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखें ये आ गया है। ये वो है जो आपको मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया था कि यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये था जो ये वाला आया था, यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। जो पसंद आए वही करें, ठीक हो गया। तो बहुत ईजी वे है वैसे तो ये। तो बस यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।